हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपाली। आज हम एक्रेलिक रंगोली को किस तरह से डेकोरेट करते हैं वो देखने जा रहे हैं। अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में रंगोली का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, और अगर एक्रेलिक रंगोली आप यूज़ करते हैं तो आप उसको आपके चॉइस के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको जिस तरह का उसका कलर चाहिए, उसमें किस तरह का स्टोन्स का, राइनस्टोन्स का या कुंदन्स का, या फिर जिस तरह से बॉल चेन्स और स्टोन चेन्स लगा के आपको जिस तरह से उसका वर्क करना है उस तरह से आप वर्क कर सकते हो। और ये जो रंगोली है ये आप अलग अलग तरह से इसे प्लेस कर सकते हो। और ये जो रंगोली है, देखिए अभी हमारे टाइल्स के घर है तो यहाँ पे हम रेडीमेड जो रंगोलियाँ आती है तो हम उसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके दाग धब्बे टाइल्स पे आ जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन उसके लिए है एक्रेलिक रंगोली। तो ये रंगोली हम किस तरह से डेकोरेट करेंगे ये आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अभी ये जो डेकोरेशन है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उस पर ये वीडियो आखिरी तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको दिखाने वाली हूँ कि एक ही रंगोली को आप अलग अलग तरह से किस तरह से अरेंज करके अलग अलग पैटर्न्स में आप उसको। आज हमने ली है येलो कलर की एक्रेलिक रंगोली और इस रंगोली को हम ब्लू कलर से डेकोरेट करने वाले हैं, तो कॉन्ट्रास्ट में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से लगता है। इसके लिए हम ब्लू कलर की ही बॉल चेन यूज़ करेंगे। ये मार्केट में हर तरह से हर कलर में अवेलेबल हो जाती है। तो हम अब ये जो ब्लू चेन है ये किस तरह से लगानी है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। उसके लिए हमें एक सिंथेटिक रबर ग्लू लगेगा। कोई भी सिंथेटिक रबर ग्लू यूज़ कीजिए, ये बहुत जल्दी सूखता है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से चिपकाता है। तो इसके लिए अभी हम ये यूज़ करेंगे। यूज़ करते वक्त आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसे बहुत बारीकी से और जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसी तरह से आप उसको लगाइए। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर वो कोई दूसरे पार्ट पे अगर रंगोली के लग जाए तो उसके निशान दिखते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है, उसका लुक अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से आपको उसे रंगोली पे, मतलब जो एक्रेलिक की शीट है उस पर आपको प्रॉपरली लगाना है। तो देखिए मैं कैसे कॉर्नर में लगा रही हूँ और उसी तरह से उसी डायरेक्शन में बॉल चेन को भी प्रॉपरली उस पर फिक्स कर रही हूँ। और फिक्स करते वक्त अगर आप नोट कर रहे हो तो देखिए कि मैं उसको एक बार अच्छे से प्रेस भी कर लेती हूँ, जिससे कि क्या होता है जहाँ पे हम ग्लू लगाते वहीं पे वो अच्छे से चिपक जानी चाहिए। और इस तरह से इसे मैं थोड़ा जो अपनी सीज़र रहती है उसका जो पॉइंटेड एंड रहता है उससे उसको फिक्स भी कर लीजिए अगर कहीं ऐसे लगता है लगाते वक्त जगह छूट गई है। तो इसी तरह से हमें बाकी इसको भी ऐसे ही लगा लेनी है। तो ये देखिए पूरे रंगोली को मैंने ब्लू चेन से तो लगा लिया। अब इसी तरह से मैं ब्लू स्टोन जो है सेंटर में प्लेस करने वाली हूँ। अब ये प्लेस करते वक्त इसकी भी एक ये है कि देखिए जैसे मैंने ब्लू स्टोन के एंड्स को लगाया, देखिए इसको पीछे मर्क्यूरी रहता है और इस ग्लू से क्या हो सकता है उसका मर्क्यूरी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए उसके पॉइंट्स पे ही आप प्रॉपरली ग्लू लगाइए। इसके बाद दूसरा शेप लीजिए और बराबर दोनों की साइज़ लेके बराबर उसी पे चिपकाइए तो उसका डिस्टेंस भी प्रॉपर होगा। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग तरह के मेरे पास स्टोन्स है तो इसमें से हमने जैसे ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है तो मैं इसके लिए ब्लू के ही कुछ टीयर ड्रॉप शेप वाले राइन स्टोन्स लूँगी और उसके कॉम्बिनेशन में मैं यहाँ पे सिल्वर कलर के भी राइनस्टोन्स ले लूँगी। तो इस तरह से हमारी रंगोली और अच्छे से दिखेगी। तो ये हमें अब किस तरह से लगाना है ये देखते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे कि गोल्डन बॉल चेन है जैसे आपने ब्लू कलर की लगाई थी वैसे ये गोल्डन बॉल चेन है उसे भी उसी तरह से लगाना है। उसके लिए सेम हमें फिर से ग्लू लगा लेना है और ग्लू को भी जहाँ पर हमें ये बॉल चेन स्टिक करनी है वहीं पे ग्लू लगाना है, कहीं और लगाना नहीं है। और बहुत जल्दी वहाँ पे जो लेस है हमारी बॉल चेन की लेस है वो इमिडिएटली चिपकानी है और इससे क्या होगा कि वो अगर सूख जाता है तो वो स्टिक नहीं होती है प्रॉपरली। तो उसके लिए आपको ध्यान से उसको बराबर उसका मेजरमेंट लेके उसको कट करके तुरंत उसको स्टिक कर लीजिए। तो इस तरह से
जैसे ये सेंटर पार्ट है इसको मैंने लगा लिया है, ये देखिए, तो उसी तरह से आपको बाकी भी रंगोली के जो पार्ट है उस पे भी इसी तरह से गोल बॉल चेन लगा लेनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, ये देखिए टीयर ड्रॉप शेप में आपको लगाना है, तो जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है वहीं पे मैं ग्लू चिपका रही हूँ। और हम अरेंज किस तरह से करेंगे, तो एक ब्लू और एक सिल्वर कलर का टीयर ड्रॉप शेप का राइनस्टोन कुंदन, तो इसी तरह से हम इसे अरेंज करने वाले हैं। तो वन बाय वन, वन ब्लू वन सिल्वर, वन ब्लू वन सिल्वर, इसी सीक्वेंस में हमें पूरे राउंड को कवर करना है। तो इसी तरह से हमें प्रॉपरली उसको अरेंज करके फिक्स हो रहा है कि नहीं, ग्लू लगा है कि नहीं, देख के ही उसको बना लेना है। ये देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें बाकी भी पूरी रंगोली जो है, देखिए इसको भी हमें ऐसे ही डेकोरेट करना है। तो ये देखिए पूरी तैयार हो चुकी है। ऐसी भी रंगोली अच्छी लगती है, लेकिन ये देखिए अभी भी रंगोली बहुत सुंदर लग रही है। एम्प्टी इससे तो बहुत सुंदर उसका ये आ रहा है, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। अब ये जो गोल्डन बॉल चेन जो मैंने आपको दिखाई थी, अब ये हम दो तीन बार उसके राउंड से यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये भी लगाने की प्रोसीजर सेम है, बॉल चेन को हमको लगाना है तो उसी तरह से ग्लू लगाना है। ग्लू को भी प्रॉपरली आपको उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको बॉल चेन को फिक्स करना है। अब बॉल चेन के अलावा यहाँ पे स्टोन्स भी आप लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको रंगोली को सजाना है उस तरह से उसे सजा सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे अभी ग्लू लगा लिया है, उसके बाद मैं ये गोल्डन बॉल चेन यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करते वक्त देखिए अब मेरा कहीं जगह पे एक दो जगह पे ग्लू नहीं लगी है। अभी मैं पहले क्या कर लेती हूँ कि ग्लू सूखने से पहले पूरी मैं इसको स्टिक कर लेती हूँ। और स्टिक करने के बाद देखिए पॉइंटेड एंड से मैं इसे फिक्स कर रही हूँ कि कहीं अगर रहता है तो निकल जाता है, और ये जो एक्स्ट्रा ग्लू है ये इसी से तुरंत साफ़ हो जाता है। और अभी मुझे पता है कि ये प्लेस पे प्रॉपरली ग्लू नहीं लगा था, तो मैंने तुरंत वहाँ से उसको निकाल के थोड़ा सा ग्लू फिर से लगा लिया है और उसे उस जगह पे फिक्स कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी चेन भी बाद में भी नहीं निकलेंगी। तो ये हो गया है पूरा हमारा तैयार। तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि नहीं, हाँ कुछ उसको और एनहांस करना है, तो मैं इसी तरह से ब्लू लाइन फिर से लगा लूँगी तो वो और अच्छे से उभर के आएगा। तो इसके लिए मैंने सेम प्रोसीजर ग्लू ऐसे ही लगा लिया है, उसके बाद मैंने ब्लू चेन को लगाया जहाँ तक चाहिए वहाँ तक मैंने उसको लगाया है, फिर उसे कट कर दिया है। आप चाहे आपके हिसाब से उसे जिस तरह से डेकोरेट करना है उस तरह से आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। अब ये डेकोरेट होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए पहले का ये देखिए और अभी का, तो लुक बहुत अच्छा दिखता है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये सेंटर है यहाँ पे मैं और एक जैसे हमने थीम की थी ब्लू एंड सिल्वर की, तो यहाँ पे मैं एक सिल्वर बड़ा वाला राइनस्टोन यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें बाकी भी शेप से उसको भी ऐसे ही लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी रंगोली हमने तैयार की है। अब ये जो तैयार हो चुकी है, तो अब लास्ट ये है कि इसको अलग अलग साइज किस तरह से डेकोरेट करना है। ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है होने के बाद, और स्टोन्स भी काफ़ी अच्छे चमकते हैं, काफ़ी अच्छा उसका लुक आता है। अभी मुझे पता नहीं वीडियो में आपको किस तरह से इसका लुक दिख रहा है, अब इसे हम अलग अलग स्टाइल्स में किस तरह से अरेंज करेंगे। एक ही रंगोली है, सिर्फ मैंने उसका फॉर्मेशन चेंज किया, तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब तो हो गया ये दूसरा स्टाइल। फिर तीसरे स्टाइल में आप अगर कहीं आपका दरवाज़ा है उसके ऊपर आपको अगर ये रंगोली लगानी है, तो आप सीधे से इसको अलग अलग पीसेस में इसको ये कीजिए, सेंटर में सर्कल वाला पीस लगा दीजिए। अगर थाली है तो थाली के आजू बाजू में आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर छोटी सी प्लेस है, कहीं पूजा है, पूजा के सामने अगर आपको इसको अरेंज करना है तो वहाँ पर चौपाई के सामने आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इसे स्ट्रेट भी आप अरेंज कर सकते हो कि हाँ चलो पूजा है तो मुझे पूरा इस पे अरेंज करना है, तो इस तरह से इसको अरेंज करो, या फिर से आप इसे इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। तो एक ही रंगोली, लेकिन देखिए मैंने कितने अलग अलग छह तरीकों से मैंने आपको इसको अरेंज करके दिखाया आपको।
तो आप इसी तरह से हर रंगोली को अरेंज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी हाउ टू अरेंज द रंगोली। ये रंगोली है बेसिक और इस तरह से हमने अलग अलग स्टाइल्स में इसको अरेंज किया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।